अस्सलाम जो जो प्रेजेंट है काइंडली वो मुझे रिप्लाई करें। वालेकुम अस्सलाम सर। क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे वो आपने किए, पहले मुझे ये बता दो। जी सर। यूनिट्स और ड्राइव यूनिट के क्वेश्चन कर दिए सबने? जी सर। कौन बोला मुझे अभी देख पता ही नहीं चला यार। अभी देखो ये से कैमरा ऑन करके चले गए या मौजूद है अब्दुल बासित, रिप्लाई करें वरना ग्रुप से जाएं। अब्दुल बासित ठीक है, अम्मार अली जी सर सही है, सोहेल अब्बास ओके। एस्टिमेशन किसे कहते हैं बेटा? एस्टिमेशन का मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज तुम्हें याद करनी होंगी एग्जाम में। हेडिंग लिख लें एस्टिमेशन। इट इज द approximated value for example वो टेस्ट तुम्हारा चेक करता है भाई के दिमाग वमाग सब स्टूडेंट्स का सही है, वैसे जो ओ लेवल का एग्जाम दे रहे हैं उनका दिमाग वमाग ठीक है, काम वाम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहूं कि मास ऑफ एन एप्पल A 20 grams, B 150 grams, C 500 grams, D एट हंड्रेड ग्राम्स, बताओ जरा क्या आंसर होगा? एप्पल का अप्रोक्सीमेट मास या 20 ग्राम? वाह वाह वाह, कौन है ये? 20 ग्राम। 20 ग्राम का मतलब पता है क्या होता है? 20 ग्राम का मतलब ये है कि 20 ग्राम का तो मतलब 100 ग्राम में 5 हो गए और 1000 में 1000 ग्राम में 50, 1 किलो में 50 एप्पल आ रहे हैं। वाह वाह, मसूद अली इंसान बन जाओ, कोई खरबूजा थोड़ी खरीद रहा हूं, सेब खरीद रहा हूं। 500 ग्राम नहीं हो सकता, 500 ग्राम आधा किलो का सेब होता है एक। देखो अप्रोक्सीमेट यार, अगर किसी हॉकर से सेब लोगे तो अप्रोक्सीमेट 5 या 6 सेब आएंगे एक किलो में, 5, 6, 7 सेब आएंगे, 8 आ जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेट जो आपका मास होगा वो एक सेब का, एक एप्पल का मास 150 ग्राम्स होगा। सही है भाई? तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने दिमाग से करनी होती है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताऊं कि लेट से तुम्हें कुछ चीजें याद करनी होंगी। आ गया, एक मिनट ठहरे, मैं आपको एक शेयर करता हूं एक चीज। वन मिनट होल्ड करें। अच्छा देखो, मुझसे ये इवन एएस के भी अभी जो अक्टूबर में एग्जाम हो रहे हैं ना उसके लिए भी स्टूडेंट्स
A2 में जो आ चुके हैं वो भी मुझसे ये पूछते हैं कि यार बास ने सर वो भेज दें एस्टिमेटेड वैल्यूज की जो आपके पास हैं, तो मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। इनका गया है लेट्स से अपने पास रजिस्टर पे के लिख लेना जो मैं अभी तुम्हें भेज रहा हूँ। 5 मिनट में दूंगा आपको ये सब लिखने के लिए, फिर इसके बाद मैं दोबारा आगे चीजें समझाऊं। जी बेटा 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसे लिख लें पूरे को आप जल्दी से।
रिमूव कर दूं बेटा, लिख चुके हो? रिप्लाई करें प्लीज, मुझे लिख चुके हैं या और टाइम चाहिए? सर थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके जी, नाउ सर जी, सर लास्ट में क्या लिखा हुआ है जो आखिरी वाला है वो बता दें, नजर नहीं आ रहा है। डायमीटर ऑफ अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, स्ट्रैंड ऑफ हेयर का मतलब एक बाल की थिकनेस। अब देखो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, एग्जैक्टली नहीं होगा, मगर जरूरी नहीं है कि तुम एग्जैक्टली इसको रटो, इसका नियरेस्ट वैल्यूज आपको याद करनी होंगी।
राइट, नियरेस्ट वैल्यूज होंगे, ऑप्शन ऐसे होंगे जो इनमें आपस में एक दूसरे से दूर होंगे, बट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू एक ही सूटेबल होगी। अच्छा, इसके बाद एस्टिमेशन के बाद, ये एस्टिमेशन की कुछ चीजें तुम्हें याद करनी होंगी, ये टॉपिक वन चल रहा है अभी आपका। नाउ वी हैव एरर। बेटा यू नो दैट व्हेन वी परफॉर्म एनी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एएस में, ए लेवल्स में यू हैव टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, व्हेन यू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट देन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट यू मे फेस टू टाइप्स ऑफ एरर। नंबर वन वी कॉल सिस्टमैटिक एरर एंड सेकेंड वन वी से रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या है? देखो, अगर आप कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें लास्ट वाली भी फ्राइडे को जो मैंने कुछ वीडियोस डाली थी, उस पर मैं जो स्केल से, रूलर से तुम्हें समझा रहा था कि मैंने कहा रूलर का इनिशियल टूट गया, अब मुझे लेंथ मेजर करनी है। अब प्रॉब्लम यह है कि उस मशीन में या उस स्केल में एरर, डिवाइस में एरर ये है कि वो स्केल 2 सेंटीमीटर से मेजर कर रहा है, स्टार्टिंग वाला ब्रेक हो गया। अब मैंने स्केल को रखा तो स्केल 2 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक की लेंथ आ रही है, तो जो एक्चुअल लेंथ होगी वो 7 सेंटीमीटर नहीं होगी, बल्कि उसमें 2 सेंटीमीटर तुम्हें माइनस करना होगा। देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर मीन्स मशीन एरर and this machine error cannot be reduced by taking more number of readings and get their average। रैंडम एरर की बात करते हैं तो रैंडम एरर को हम कहते हैं, ये है बेसिकली ह्यूमन एरर। और फिर याद करो, ओ लेवल एटीपी में तुमने कहा था कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट में आपके पास वैल्यूज आपस में डिफरेंट हैं तो वो क्यों है, तो हमने कहा था वो ह्यूमन रिएक्शन टाइम की वजह से, ड्यू टू ह्यूमन रिएक्शन टाइम। और ऑब्जर्वर्स एरर, ऑब्जर्वर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसने कोई एरर कर लिया होगा रीडिंग लेते हुए, उसने सही रीडिंग नहीं ली होगी, उसके अलग अलग रीजंस थे। याद करें एटीपी में पैरलैक्स एरर था, सामने से रीडिंग नहीं ली, तुमने साइड में से रीडिंग ले ली, उसको हम कहते हैं स्टॉप वॉच है, तो स्टॉप वॉच ऑन और ऑफ करने में तुमने देर लगा दी, ये है तुम्हारे सारे ह्यूमन एरर। और ह्यूमन एरर या रैंडम एरर को आप रिड्यूस कर सकते हैं, कैन ह्यूमन एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग मोर नंबर ऑफ रीडिंग्स, मोर नंबर ऑफ रीडिंग्स एंड get their average। machine error में ऐसा नहीं होगा। machine error या systematic error में जो तुम्हारे पास initial reading होगी, उस reading, वो reading आपको अगर in starting zero नहीं है, अच्छा जरूरी नहीं है कि ये systematic error इसी type का हो, ये भी हो सकता है कि for example तुम experiment perform कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का, रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो तुम किसी भी रेजिस्टर का,
अब जिस रूम में प्रैक्टिकल परफॉर्म हो रहा है उस रूम का टेम्परेचर ज्यादा है, वो रूम ज्यादा हीट अप हुआ है, तो वोल्टेज और करंट लेते हुए उस रूम का टेम्परेचर भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो भी रीडिंग को आपकी खराब करेगा। अब अगर तुम एक दफा रीडिंग लो, दो दफा रीडिंग लो, तुम इवन 10 दफा रीडिंग लोगे, तो वो एरर तो सेम रहेगा, वो एरर रिड्यूस तो नहीं होगा। तो सिस्टमैटिक एरर या मशीन एरर हम कहते हैं, या तो इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर हो या कोई डिस्क्रिपेंसी आपकी सराउंडिंग में हो, एटमॉस्फेयर में हो, उन दोनों को ही आप सिस्टमैटिक एरर में कैटर करेंगे। अब अगर हम मशीन एरर की बात करें तो वी से दैट के देयर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन एरर। एक कहलाता है बेटा पॉजिटिव जीरो एरर, फ्राइडे वाली क्लास में माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का एक क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व किया था, उसमें मैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को बिल्कुल बंद करता था स्टार्टिंग में, तो वो जीरो नहीं दिखाता था बल्कि वो कोई और रीडिंग दिखाता था। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल इनिशियल रीडिंग है प्लस 0.02 सेंटीमीटर और आपके पास फाइनल रीडिंग है 1.46 सेंटीमीटर, तो देखो यहां पर तुम कहोगे कि ये जो फाइनल रीडिंग तुमने एक्सपेरिमेंट में मेजर की है, ये फाइनल रीडिंग 1.46 एक्चुअल नहीं है। तो एक्चुअल रीडिंग के लिए आप 1.46 में से माइनस करेंगे 0.02, तो ये तुम्हारे पास आंसर आएगा 1.44 सेंटीमीटर। ये कह रहा था पॉजिटिव जीरो एरर। लिखिएगा एक पॉइंट, व्हेन द इनिशियल स्केल When the initial scale is greater than zero, when initial scale is greater than zero, then it is positive zero error. And to get the actual reading, this positive zero error, and to get the actual reading, this positive zero error must be subtracted from the final reading obtained must be subtracted from the final reading obtained अब सुने जरा कि व्हाट इफ नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर क्या है? देखो मेरे पास ये एक स्केल है, एमीटर है फॉर एग्जांपल, जिसका जीरो यहां पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8
सिमिलरली ये जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अच्छा, मेरे पास नीडल स्टार्टिंग में जीरो से एक डिवीजन पहले आ रही है और फिर मेरे पास रीडिंग ये आ रही है. ये इनिशियल है, ये फाइनल है. यहां लिखा है मिली एम्पियर. अब अगर नोट करें तो इनिशियल रीडिंग तुम्हारे पास हर एक डिवीजन जीरो के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईच डिवीजन इज ऑफ 1 मिली एम्पियर. मगर इनिशियल स्केल मेरा एक डिवीजन कम आ रहा है, तो आप कहेंगे यहां है -1 मिली एम्पियर. दिस -1 मिली एम्पियर इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर. इसको कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर. और फाइनल रीडिंग आ रही है तुम्हारे पास 5 मिली एम्पियर. तो मुझे एक बात ये बताओ कि यहां पर जब मैं एक्चुअल करूंगा तो यहां पर मुझे बताएं इस 5 मिलीमीटर में एक्चुअल रीडिंग के लिए प्लस करूंगा 1 या माइनस करना चाहिए. सॉरी, माइनस करोगे सर? प्लस करोगे बेटा. माइनस 1 से स्टार्ट हो रही है. 5 माइनस करेंगे माइनस 1 से तो प्लस हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा. हाँ, तो अल्टीमेटली आप कहेंगे 5 में माइनस करेंगे माइनस 1 को, तो अल्टीमेटली ये प्लस 1 होगा. सो दैट इज 6 मिली एम्पियर. इट मींस कि रीडिंग आपकी माइनस 1 से वेरी कर रही है और 5 तक. तो माइनस 1 से 5 तक का चेंज बेसिकली चेंज नहीं होगा, बल्कि सॉरी 5 नहीं होगा बल्कि 6 होगा. That is called negative zero error. So negative zero error में final value add होती है. Positive zero error में final value subtract होती है. ये याद रखना. Negative zero error में लिखना, जरा write down negative zero error. Negative zero error का मतलब write down if the initial scale if the initial scale is less than zero, if the initial scale is less than zero, then to get the actual reading, then to get the actual reading, final reading must be added to the negative zero error. Final reading must be added to the negative zero error. Now listen. ये सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर तो चलो तुमने थोड़ा बहुत ओ लेवल्स में पढ़ा था. नाउ वी हैव अनदर टू टाइप्स ऑफ एरर. दिस इज कॉल्ड प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी. अब प्रिसिशन और एक्यूरेसी में फर्क क्या है ये समझें जरा. प्रिसिशन और एक्यूरेसी को समझाने के लिए, प्रिसिशन और एक्यूरेसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें एक सिचुएशन दे रहा हूं, वो समझना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिकली सब. अच्छा, ये प्रिसिशन और एक्यूरेसी का टॉपिक या सिस्टमैटिक और रैंडम एरर का टॉपिक एमसीक्यूज रिलेटेड है. थ्योरी में नहीं आता इसमें, यह एमसीक्यूज रिलेटेड है. सपोज करो कि मैं तुम्हें एक रजिस्टर दूं. स्टार्ट करते हैं हम यहां से कि फॉर एग्जाम्पल
मैंने कहा यार मेरे पास ये एक रेजिस्टर है और उस रेजिस्टर की वैल्यू 5 ओम है, अब एक एक्सपेरिमेंट करो कि एक बैटरी लगाओ, ओ लेवल का कॉन्सेप्ट याद करें, एमीटर लगाओ इस रेजिस्टर को, एमीटर के साथ कनेक्ट करो और यहां पर वोल्ट मीटर लगाओ, एमीटर तुम्हें रीडिंग देगा करंट, वोल्ट मीटर तुम्हें रीडिंग देगा वोल्टेज की। फिर ये एक्सपेरिमेंट जब आप परफॉर्म करेंगे तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे V अपॉन I। अब सुनो जरा मैं तुम्हें एक चीज समझाऊं, मैंने इसके लिए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए मैंने 4 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया, फोर स्टूडेंट्स ने अलग अलग ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। लेट्स से स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट डी। मैंने चारों स्टूडेंट से कहा कि यार ये आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें 5 times, 5 करंट की वैल्यूज निकालें, 5 वोल्टेज की वैल्यूज निकालें और इनको अलग अलग हर बार R इक्वल्स टू V अपॉन I का फॉर्मूला अप्लाई करके 5 रेजिस्टेंस अलग अलग कैलकुलेट करो और फिर उसका एवरेज निकाल के दिखाओ मुझे। हमने वेरीफाई करना है कि 5 ओम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब सुनो, इन 5 स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो स्टूडेंट ए की पहली रीडिंग आई, लिखते जाएंगे अपने पास 4.9 ohms। दोबारा इसने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट तो आया 5.4 ohms। अगेन इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो रीडिंग आई 5.7 ohms। फिर इसकी रीडिंग आई 5.2 ohms। फिर इसकी रीडिंग आई 5.8 ohms। अच्छा अब स्टूडेंट बी आया, स्टूडेंट बी ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जब इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो इसकी रीडिंग आई 5.8 ohms, 5.9 ohms, 5.7 ohms, 5.85 ohms, 5.72 ohms। सही है। अच्छा अब एक स्टूडेंट सी आया, इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जब इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो फिर इसकी एक रीडिंग आई 4.6 ohms, फिर 4.2 ohms, 5.5 ohms, 5.6 ohms। स्टूडेंट डी था, इसकी रीडिंग आई 5.1 ohms, 5.2 ohms, 4.9 ohms, 4.8 ohms, 4.95 ohms। अब गौर से सुने, हमने
इन चारों एक्सपेरिमेंट्स में रीडिंग्स का एवरेज निकालना है और रेंज निकालनी है सब में. एवरेज कहते हैं कि पांचों को ऐड करके फाइव से डिवाइड कर दो. रेंज कहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस बताओ. आप में से हर एक स्टूडेंट कैलकुलेट करे जरा एवरेज. स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी और स्टूडेंट डी का एवरेज बताओ. रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम से मिनिमम का डिफरेंस. पहले वाले का एवरेज बताना क्या आ रहा है. 4.9 प्लस 5.4 प्लस 5.7 प्लस 5.2 प्लस 5.8 डिवाइडेड बाय 5. 5.4 आ रहा है. फर्स्ट वाले का आ रहा है 5.4 ओम्स. और इसकी रेंज देखो तो रेंज होती है मैक्सिमम से मिनिमम का डिफरेंस. तो 5.8 से 4.9 का डिफरेंस आएगा आपका 0.9 ओम्स. ठीक है. एवरेज सेकंड वाले का एवरेज बताओ. बाकी स्टूडेंट सो रहे हैं क्या भाई. 5.79 ओम्स. और बेटा अगर इसका मैक्सिमम देखें तो 5.9 है, मिनिमम देखें तो 5.7 है. तो 5.9 में से 5.7 का माइनस करें तो 0.2 ओम्स की रेंज आ रही है. थर्ड वाले का एवरेज बताएं. एग्जैक्ट 5 आ रहा है. रेंज मिनिमम से मैक्सिमम में माइनस कर दो तो ये आ रही है आपके पास 1.4 ओम्स. लास्ट वाले का एवरेज बताओ. अब मुझे ये बताओ कि इन सब स्टूडेंट्स में से सबसे बेस्ट ज्यादा मार्क्स आप किसको दोगे अगर आप एग्जामिनर हो. किसकी रीडिंग सबसे अच्छी है. सी सर. बी. हाँ सी. सी सर. सबसे बेस्ट रीडिंग है इसमें बेटा डी. देखो जब डी वाला स्टूडेंट ने, स्टूडेंट डी ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो उसका एरर, ह्यूमन एरर कम आ रहा है. एक बात समझिएगा, ए लेवल में ह्यूमन एरर कम आने का मतलब रीडिंग्स आपस में क्लोज होंगी. अगर रीडिंग्स आपस में क्लोज हैं तो इसका मतलब यह है कि उसने बार बार एक्सपेरिमेंट किया, बार बार एक्सपेरिमेंट किया और हर बार वो आपको अप्रोक्सीमेट करीब करीब रीडिंग दे रहा है तो वो रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट होंगी ना. सी वाले में देखो वेरिएशन कितना है. अब अगर कोई स्टूडेंट 5 ओम वेरीफाई करने के लिए एक दफा 4 ओम निकाल ले और एक दफा 6 ओम निकाल ले तो इसका एवरेज 5 ओम आएगा. बंगर क्या रीडिंग सही होगी ये. नहीं. आप कहेंगे भाई ये तो इसका बहुत बड़ा एरर है. कभी ये रीडिंग 4 ओम ले रहा है, कभी ये रीडिंग 5 ओम ले रहा है. तो आप कहेंगे ऐसे स्टूडेंट को तो मार्क्स मैं नहीं दूंगा बिल्कुल भी. समझे जरा बात के असल में एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं तो सिर्फ ये जरूरी नहीं कि तुम्हारा आंसर ही करीब तरीन हो. जरूरी यह है कि आंसर भी करीब तरीन हो और जितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट किया हो वो आपस में रीडिंग भी क्लोज हो, वेरिएशन बहुत ज्यादा ना हो.
actually when we talk about precision, precision kehta hai aapka ki a small range of values. Precision means precision is a method or experimental technique. Precision is the experimental technique in which, likhiye zara, precision is the experimental technique in which precision is the experimental technique in which all readings must be in a small range. All readings must be in a small range. इसका मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि गुड प्रिसाइज्ड रीडिंग, लिखना नेक्स्ट लाइन में कि गुड प्रिसाइज्ड रीडिंग मींस, राइट डाउन गुड प्रिसाइज्ड रीडिंग्स मींस स्मॉल रेंज. And bad precision means comparatively large range. Now listen, देखिए A level है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा. एक मशीन में एरर है. अगर यहां एमीटर या वोल्टमीटर, किसी एक एमीटर में या वोल्टमीटर में एरर है और उस एरर की वजह से रेजिस्टेंस तुम्हारी 2 ohms ज्यादा आ रही है, किसी वजह से 2 ohms ज्यादा आ रही है, तो भाई इसका मतलब जब तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो एक्चुअल हर बार रेजिस्टेंस 7 के करीब करीब आनी चाहिए. तो मैं कहूंगा भाई अगर कोई एक स्टूडेंट परफॉर्म करता है 6.9, फिर वही स्टूडेंट दूसरी बार करता है 6.8, फिर वो करता है 7, फिर वो करता है 7.1, फिर करता है 6.9 ओम्स के आंसर आता है. ये पांचों रीडिंग्स आपस में बहुत क्लोज हैं, बहुत क्लोज हैं. एक्चुअल 5 ohms से बहुत दूर हैं. समझे जरा मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें. एक स्टूडेंट है जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करता है, उसकी रीडिंग आती है 6.8, 6.9, 7, 7.1, 6.9 ओम्स. ये 5 रीडिंग आती है इसकी. तुम कहोगे सर ये 5ों बार जो स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसका मतलब उसकी सारी रीडिंग्स आपस में बहुत क्लोज हैं, तो ये रीडिंग गुड प्रिसाइज्ड रीडिंग है. मगर इन 5ों का एवरेज 5 से दूर है. तो अगर एवरेज क्लोज, एवरेज एक्चुअल से क्लोज हो या एवरेज एक्चुअल से दूर हो तो वो कहलाता है एक्यूरेसी. Accuracy is a experimental technique. अभी दोबारा समझाऊंगा, पहले ये लिखो जरा. Accuracy is the experimental technique in which accuracy is a experimental technique in which average of the values must be closer
एवरेज ऑफ द वैल्यूज मस्ट बी क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू. Average of the values must be closer to the actual value. In short, ये समझ लें कि किसी भी experiment को perform करते हुए तुम्हें precision का भी ख्याल रखना है, accuracy का भी ख्याल रखना है. सिर्फ experiment में accuracy हो यानी average close हो दोबारा बोलो क्या हमने एक्चुअल वैल्यू क्या पूछा तुमने दोबारा भाई माइक ऑन है ना आपका तो माइक पे पूछो यार. अजहर हमें एक्चुअल वैल्यू डिवाइड होगी क्या क्या लिख रहे हो यार ये एक्चुअल वैल्यू दी भी होगी. हाँ 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 अच्छा ये लिख रहे हो हाँ एक्चुअल वैल्यू तुम्हें गिवन होगी बेटा एक्चुअल वैल्यू तुम्हें दी जाएगी. अभी मैं तुम्हें एग्जाम्पल करवाता हूं ना अभी. अब मुझे ये बताओ यहां तुम्हारे पास 4 स्टूडेंट्स की रीडिंग्स हैं और एक्चुअल 5 है. तुम्हें बताना है गुड प्रिसिशन बैड प्रिसिशन गुड एक्यूरेसी बैड एक्यूरेसी. ठीक है तुम्हें बताना है गुड प्रिसिशन बैड प्रिसिशन गुड एक्यूरेसी बैड एक्यूरेसी. स्टूडेंट 1 की रीडिंग को देखकर बताएं एक्चुअल 5 ओम है 5 ओम से रीडिंग 5.4 कंपैरेटिवली दूर है तो एवरेज दूर है क्योंकि सी और डी वाला स्टूडेंट बहुत करीब है देख लो तो 5 से 5.4 कंपैरेटिवली दूर है तो आप कहेंगे यहां पर ये बैड एक्यूरेसी. सेकंड वाला भी देखो तो 5.79 दूर है 5 से बैड एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का मतलब एवरेज क्लोज से करीब होना चाहिए. स्टूडेंट सी को देखें तो 5 एक्चुअल था और वो तकरीबन 5 ही आ रहा है तो आप कहेंगे यहां पर गुड एक्यूरेसी. और लास्ट वाला भी 5 के बिल्कुल क्लोज है तो तुम कहोगे गुड एक्यूरेसी. अब प्रिसीशन देखें प्रिसीशन का मतलब वैल्यूज आपस में क्लोज हो. प्रिसीशन डिपेंड करता है रेंज पे. गुड प्रिसीशन क्लोज रेंज बैड प्रिसीशन लार्ज रेंज. कंपैरेटिवली आपके पास यहां पर 4 एग्जांपल्स हैं रेंज की. फर्स्ट वाले में मैं कहूंगा बैड एक्यूरेसी सॉरी बैड प्रिसीशन क्योंकि वैल्यूज आपस में एक दूसरे से दूर है. सेकंड वाला देखो तो एवरेज बहुत क्लोज है गुड प्रिसीशन. थर्ड वाला देखें तो रेंज बहुत ज्यादा है 1.4 तो बैड प्रिसीशन. और डी वाले में देखो तो रेंज भी कम है और वैल्यूज आपस में क्लोज भी हैं तो आप कहेंगे गुड प्रिसीशन. इट मींस बस मुझे एक क्वेश्चन बता दो लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट लें इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो. एक्चुअल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. A student takes 6 readings 14.2 centimeter
14.1 centimeter, 14.3 centimeter, 14.15 centimeter. एक्चुअल उसने तुम्हें बता दिया 13.95 सेंटीमीटर, 14.2 सेंटीमीटर. अब मुझे बताओ क्या है ये. ऑप्शन ए बैड प्रिसिशन, बैड एक्यूरेसी, गुड प्रिसिशन, गुड एक्यूरेसी, bad precision, good accuracy, या good precision, bad accuracy. बताएं बस जल्दी से. C answer है sir. D. range आपस में close है. very good. देखो रेंज आपस में, वैल्यूज आपस में करीब करीब हैं, तो आप कहेंगे इसकी रेंज क्लोज है, इसका मतलब गुड प्रिसिशन. एवरेज अवे फ्रॉम एक्चुअल. अच्छा वो अपोजिट हो गया सर. बैड एक्यूरेसी. जी हाँ, प्रिसिशन रेंज होती है और एक्यूरेसी जो होती है वो एवरेज होती है. एवरेज होती है, बिल्कुल सही है. तो इसका आंसर डी है. इज दैट क्लियर? सही है ना. अब इसकी कुछ ग्राफिकल एग्जांपल्स हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. इसके कुछ ग्राफ्स हैं, कुछ इसकी ट्रेंड लाइंस हैं, उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में उसको देखते हैं. आज इसको यहां तक रखें बेटा. ओके, अल्लाह हाफिज़. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. अल्लाह.